सीरियल अनुपमा में आया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां वनराज की चाल की वजह से अनुपमा ने अनुज के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ने का किया है फैसला। जी हां, सीरियल अनुपमा में वनराज मालविका से पूछता है कि क्या अनुज और अनुपमा उसके लिए अपनी साझेदारी तोड़ देंगे, जिसे सुनकर अनुज और अनुपमा हो जाते हैं शॉक्ड। दरअसल वनराज मालविका से बात करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए अनुपमा को छोड़ सकता है, जिसके बाद सभी हो जाते हैं शॉक्ड। और फिर वनराज अनुपमा को भी सुनाता है ये कहते हुए कि अनुपमा उसे बदला ले रही है। वहीं समर पूरी बातचीत सुनता है और परिवार को इसके बारे में बताता है। परिवार इस पर बहस करने लगते हैं और वनराज का ही पक्ष लेते हैं। वहीं काव्या उन्हें बताती है कि वनराज एक गेम खेल रहा है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो जीत नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ अनुज मालविका को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसके अच्छे के लिए किया है, लेकिन मालविका उससे कहती है कि उसने हमेशा उसके साथ ऐसा ही किया है। मालविका अनुज से कहती है कि उसने उसके लिए अपना प्यार, अपना देश और अब वनराज भी छोड़ दिया है। मालविका कहती है कि वनराज सही कह रहा था कि ये एक तरफा रिश्ता है। और फिर मालविका अनुज से कहती है कि अब वो उसकी नहीं सुनेगी। वहीं दूसरी तरफ मालविका वनराज को एक ऑडियो मैसेज भेजती है जिसमें वो कहती है कि वो सही था, जिसके बाद वनराज के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वनराज उससे कहता है कि वो उसके लिए अपने भाई से नहीं लड़े बल्कि उस व्यक्ति से नाराज होना चाहिए जिसने अनुज को ऐसा करने के लिए कहा। यानी कुल मिलाकर वनराज का टारगेट अनुपमा है। वही सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज अनुपमा से कहता है कि उसने कुछ तय किया है, कि वो चाहता है कि वो उसमें उसका साथ दे, जिसके बाद अनुपमा उसे हमेशा उसका साथ देने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ वनराज काम पर जा रहा होता है तब बापूजी उसे रोकते हैं, लेकिन वनराज ये कहकर चला जाता है कि आज एक निर्णायक दिन है और उसे जाना जरूरी है। वहीं जब वनराज ऑफिस पहुंचता है तो मालविका से पूछता है कि क्या उसने अनु से बात की है, जिसके बाद मालविका उसे बताती है कि बहुत कुछ बड़ा हुआ है। वेल, सीरियल की कहानी में आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा।